सलमान खान के बारे में एक बात तो सच कही जाती है, वो दिल पर आते हैं दिमाग में नहीं, और जो उनके दिल में छप जाता है उनका कैरियर बनाना सलमान खान अपनी ठेकेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। ऐसी करेक्टर एक्टर मॉडल बॉडी बिल्डर हैं, नाम है वीरेंद्र सिंह घुमान। इनके बारे में कोई तब तक नहीं जानता था जब तक सलमान खान की टाइगर 3 में इनकी एंट्री नहीं हो गई, और अब कहा जा रहा है टाइगर 3 में इनका जो रोल है बॉडी बिल्डर का, एक्शन का, विलन का, वो बहुत हद तक हाशमी के रोल पर भी भारी पड़ेगा, बिकॉज उनके प्रिजन ब्रेक सीन को लेकर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है। मुंबई में जो जेल का सीक्वेंस था, जो भी सेट बनाया गया था, जहाँ पर शाहरुख खान भी अपने पठान लुक में लीक हो गए थे, वहाँ पर वीरेंद्र सिंह घुमान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। इनसाइडर हैं जो सेट पर काम करने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग सलमान खान स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि घुमान को स्टेज पर बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही फ्रंट रोल करने को मिले। यही वजह है कि जब घुमान के पर्सनल प्रोफाइल में वीडियो देखते हैं, वहाँ पर वो टाइगर 3 के सेट पर बहुत ज़्यादा वेट रखकर अपनी किसी तरह से ट्रॉली चलाकर बॉडी बिल्डिंग के रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, यानी सेट पर बॉडी के मसल सारे एक्टिव रहे, इसके लिए वो सेट पर देसी जुगाड़ अपना रहे हैं। अब सवाल उठता है सलमान खान की मुलाकात वीरेंद्र सिंह घुमान से कैसे हुई, ना तो वो बिग बॉस में आए हैं ना ही उनके घर के रिश्तेदारी से बिलोंग करते हैं, फिर वो क्यों उस पर फिदा हैं? तो बात थोड़ी पीछे लेकर जाते हैं। सलमान खान का वैसे भी जिम और बॉडी बिल्डर से बहुत स्पेशल प्रेम है, जब भी वो किसी को बॉडी के प्रति बहुत पैशनेट देखते हैं सलमान खान के आधे दोस्त वैसे ही बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत साल पहले एक मूवी आई थी रोड द टाइगर ऑफ सुंदरबन, जो कि कमल सदाना ने बनाई थी। वरिंदर ने उस मूवी में बहुत अच्छा रोल किया था और कमल सदाना की दोस्ती के चलते सलमान खान उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान की जान पहचान हुई थी वरिंदर से, और वही दोस्ती धीरे धीरे परवान चढ़ती गई। कहा जाता है सलमान खान ने उनकी बॉडी बिल्डिंग के पैशन को देखते हुए उनको गामा पहलवान ऑफर की थी, बिकॉज उनके भाई सोहेल खान गामा पहलवान की स्क्रिप्ट पूरी कर चुके थे और वो उसको बनाने वाले थे मूवी के अंदर, लेकिन मूवी बन नहीं पाई और वो प्रॉमिस अधूरा रह गया। जब सलमान खान को टाइगर 3 में मौका मिला एक अच्छे विलन को लॉन्च करने का, तब उनको वरिंदर की याद आई और वरिंदर को लेकर आए। वरिंदर भी सलमान खान को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, सलमान खान के स्टाइल का फिरोजा ब्रेसलेट पहनते हैं, सलमान खान के बारे में हर अच्छी बातें बोलते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी टाइगर 3 को प्रमोट करते रहते हैं। तो सलमान खान के चाहते लोगों में एक का नाम और जुड़ गया है, हालांकि किसी फेवर से नहीं आया बल्कि अपनी मेरिट से आया है, बिकॉज इनका जो पर्सोना है, जो ऑरा है, जो बॉडी बिल्डअप है, वो किसी भी विलन को एस्टेब्लिश करने के लिए टाइगर 3 में बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और वरिंदर की एंट्री के बाद देखते हैं मूवी में एक्शन का तड़का कितने हाई टेम्परेचर को टच करता है।